तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना फॉर्मूले की अगली क्लास, जो कि है रिपोर्ट ऑटोमेशन में फॉर्मूला का पार्ट हम कर रहे हैं, और फॉर्मूला में हम बात करेंगे टेक्स्ट फॉर्मूला की, क्योंकि इससे पहले हमने लॉजिकल फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था और टेक्स्ट फॉर्मूला से रिलेटेड मैंने प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी भेजा था ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहे। तो चलिए हम बात करते हैं टेक्स्ट फॉर्मूला की। तो टेक्स्ट फॉर्मूला में कई सारे, यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला वन अब जाते हैं तो इसकी कैटेगरी आपको दिख जाएगी। तो टेक्स्ट फॉर्मूला में आप देखिए ये सारे फॉर्मूले हैं जो कि आप अपना यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला बैटेक्स का फॉर्मूला है। देखिए बैटेक्स का फॉर्मूला इंडिया में यूज नहीं होता है, इस चीज का ध्यान आप रखेंगे, इंडिया में यूज बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम जो है अप्लाई करके दिखाते हैं कि बैटेक्स फॉर्मूला करता क्या है। तो बैटेक्स फॉर्मूला जो है अमाउंट को वर्ड में कन्वर्ट करता है। बैटेक्स तो 150 बात दिया है। तो इस कौन सा लैंग्वेज है? थाई लैंग्वेज है। अब इसको साबित करने के लिए आप जो है गूगल ट्रांसलेटर यूज कर सकते हैं। चाहे ट्रांसलेटर आपके इसमें भी होता है, रिव्यू के अंदर आप जाते हैं तो ट्रांसलेटर दिख रहा है एल, ट्रांसलेटर इस्तेमाल कीजिए। दिखा आपको 1050 बात, राइट सर? तो इसको इंग्लिश में नहीं कर सकते हैं सर, इंग्लिश में नहीं फॉर्मूला, इंग्लिश में कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम वीवीए कोडिंग के जरिए ऐसा बनाते हैं ताकि कन्वर्ट होकर दिखा दें। इस रिलेटेड मैंने वीडियो भी डाली हुई है, करेंसी को टेक्स्ट की आप देख सकते हैं। अब उससे आगे बढ़ते हैं, छोड़िए इस अननेसेसरी फॉर्मूला को। तो इससे आगे हमारे पास है एक फॉर्मूला कोड का, कैर का, कोड कैर का। जैसे हमने कोई कैरेक्टर लिखा तो हम यहाँ पे कोड का फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो इसकी कोड हमें पता चल जाएगी कि 65 कोड है, और फिर इसमें हम कैर का फॉर्मूला देते हैं तो वापस कैरेक्टर आ जाता है। तो जो कोड है, कोड क्या होता है? ये स्काई वैल्यू होता है, हर एक लेटर को स्काई वैल्यू समझता है, बड़े और छोटे का फर्क किसी तरह से कर पाता है। स्मॉल लेटर है कोई और कोड होगा, कैपिटल लेटर है कोई और कोड होगा, स्काई वैल्यू होता है। लेकिन इसका यूज क्या है, हम आगे क्लासेस में इसका यूज आपको बताते हैं, दो मिनट वेट कीजिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक और फॉर्मूले की। जैसे हम लोग कभी नाम वगैरह लिखते हैं तो हमने अनवांटेड स्पेस दे दिया, या फिर हम कुछ स्पेस दे के ही नाम लिखे, या नाम लिखने के बाद हम कुछ स्पेस दे दिए, इसमें अनवांटेड स्पेस लगा हुआ है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ट्रिम का। जी हाँ, ट्रिम, ट्रिम का फॉर्मूला क्या करता है कि अनवांटेड स्पेस, ये स्पेस को रिमूव नहीं करता। देखिए सुजीत कुमार के बीच में कई सारे स्पेस थे तो उसको हटा के एक स्पेस छोड़ दिया, तो कई सारे स्पेसेस अनवांटेड स्पेस को रिमूव करने का काम करता है ट्रिम का फॉर्मूला। अब ट्रिम की बात हो रही है तो हम क्लीन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभी जैसे हम लोग टाइप करते हैं यहाँ पे, जैसे सुजीत कुमार, कुमार के लिए स्पेस देते हैं, वो स्पेस नहीं दिया हमने, ऑल्ट एंटर प्रेस करके हमने कुमार लिख दिया यहाँ पे। अब इसको मैं ट्रिम करूंगा, देखिए क्या होगा। तो ट्रिम करने पे सुजीत कुमार दिख रहा है आपको, लेकिन टी और के बीच में एक नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है। अब मैं कैसे बोल रहा हूं, अब मैं इस पे लेन का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। अब लेन का फॉर्मूला क्या करता है, लेंथ ऑफ लेटर बताता है कि इस लेटर का क्या लेंथ है, ये बताता है। इसने लेंथ बताया, लेकिन आप मैनुअली काउंट करें तो 11 ही है, दीप का 6 और कुमार का 5, 11 ही है, मतलब एक करेक्टर इसमें ज्यादा है।
इससे प्रॉब्लम क्या होगा, कहीं पे सुजीत कुमार लिखा होगा 11 करेक्टर का, तो वहां पे आपका मैच नहीं होगा, तो दिक्कत होने के चांसेस है। तो इस केस में हम लोग क्लीन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। क्लीन इसको हमने सिलेक्ट किया, तो क्लीन क्या करता है, इसको क्लीन कर देता है। अब मैं इसको लेन लगाता हूं, तब देखिए क्या रहा है। तो ट्रेन और क्लीन समझ में आ गया, कोई डाउट? ओके। लेकिन कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर फीस के अंदर सेपरेटर तो हट गया, सुजीत और कुमार फर्स्ट नेम एंड सेकेंड नेम के बीच में सेपरेशन तो नहीं है क्या? तो यहां पे हम चाहते हैं कि सेपरेशन आ जाए, मतलब कि हम बात कर रहे हैं नॉन प्रिंटेबल करेक्टर को रिप्लेस करने के लिए स्पेस से। तो चलिए जानते हैं कि किसी करेक्टर को किस समझा करते हैं, कैसे रिप्लेस करते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे कोई लेटर्स लिखा, अब मुझे सारे डॉट को डैश में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला से, और फिर हमने बोला कि ऊपर गए किसको करना है, डॉट को, किसे करना है, डैश। तो हमने बोला कि F1 में जाइए, जितने भी डॉट है उसको डैश से कन्वर्ट कर दिया। बट इसमें एक नंबर है, यहां पे देखेंगे कि इसमें इंस्टेंस नंबर है। अगर मैंने यहां पे नंबर 1 दे दिया तो एस क्या करेगा, सिर्फ पहले को रिप्लेस करेगा, 2 दे दूंगा तो दूसरे को, अगर कुछ नहीं दूंगा तो सबको रिप्लेस करेगा। तो सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला समझ में आ गया, हेलो सर? अब हम बात एक अलग, हम बात करते हैं एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है उस पर हम बात करते हैं रिप्लेस का। तो अनदर फॉर्मूला हमारा रिप्लेस का है, रिप्लेस। रिप्लेस फॉर्मूला क्या करता है कि सिर्फ इसको रीड करता है, क्या बोलते हैं, करेक्टर को रिप्लेस करता है, मतलब करेक्टर को रीड नहीं करता है, क्या बोलते हैं, पोजीशंस को। तो इसमें हमने बोला कि चौथे नंबर से एक करेक्टर को स्लैश या जो बनाना चाहते हैं बना दे। ठीक है सर, तो रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट समझ में आ गए।
अब यहां पे एक प्रॉब्लम आ गई, यहां पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगाता हूं तो लेटर कैसे आएगा? तो यहां पे मैं ऑल्ट एंटर तो प्रेस नहीं कर सकता, तो गलत हो जाएगा। तो इस केस में हम ऊपर कैर एंड कोड का इस्तेमाल करें। तो यहां पे कैसे करेंगे, हम किसी एक सेल पे आएंगे यहां पे और यहां पे डबल क्लिक करेंगे। और इक्वल नहीं, यहाँ पे ऑल्ट एंटर प्रेस करना होगा, मैं भूल गया था, देखो दिमाग तो मेरा। और यहाँ पे मैं कोड लगाऊंगा तो कोड आ जाएगा। तो इसने कोड दिखाया कि जो ऑल्ट एंटर हमने प्रेस किया वो ऑल्ट एंटर का क्या है। तो अगर मैं इसको कैर के अंदर में 10 को रखूंगा तो आपको सेम लेटर। तो यहां मैं सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाऊंगा और सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले में हमने इसको सिलेक्ट किया, किस कैरेक्टर को रिप्लेस करना है उसके लिए हमने कैर 10 कर दिया, किससे करना है तो इस पेज से कर। बनाया सर, तो सब रिप्लेस समझ में आ गया। अब जी छोटे मोटे फॉर्मूले हम देखते हैं, ये फॉर्मूले मोस्टली सबको आते हैं, फिर भी मैं इसको रख देता हूं। जैसे कि इसको अगर मुझे केस चेंज करना, अपर करना है तो हम अपर का फॉर्मूला लगाएंगे, मुझे अपर से लोअर करना है तो मैं लोअर का फॉर्मूला लगाऊंगा, और इसको प्रॉपर करना है तो प्रॉपर का फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो प्रॉपर का फॉर्मूला क्या करता है कि सेंटेंस का हर एक वर्ड को प्रॉपर करता है। जैसे मैं सुजीत कुमार कर दिया तो सुजीत और कुमार दोनों का पहला वर्ड को अपर में कन्वर्ट करता है। ओके, अब बात करते हैं ज्वाइन की। अगर मैं तो यहां पे मान लीजिए हम कोई ज्वाइन की बात करते हैं, सुजीत यहां लिख दिया और यहां पे हम कुमार लिख दिए।
अब दोनों को ज्वाइन करना है तो हम दो तरीके हैं, एक तो मैं यहाँ पे कॉनकेट कॉनकाटा नेट फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे और फिर यहाँ पे हम स्पेस देते हैं सेपरेशंस के लिए, इसको सेलेक्ट कर। लेकिन एक और तरीका है इसका, हम एन परसेंट से भी इसको कर सकते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया एन परसेंट स्पेस, एन परसेंट शॉर्टकट होता है जो वीवी और एक्सेल दोनों को सपोर्ट करता है, कि कॉनकेट फॉर्मूला सिर्फ एक्सेल को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आपके पास डेट्स है, जैसे 1 जुलाई से लेके आज के डेट, इनको आपस में कॉन्केट करना है, तो मैं कॉन्केट का फॉर्मूला लगाया या फिर एन परसेंट लगा दिया, तो कॉन्केट फॉर्मूला में इसमें हमने दे दिया यहाँ पे सेपरेटर में 2, टू, और फिर हमने इसके साथ एन परसेंट किया, सॉरी कॉमा करेंगे, एन परसेंट करेंगे इसको डेट को। तो क्या होगा, एंटर मारते ही डेट जो है देखिए 4/3/6/4/7 इस तरह से आया, गलत है। तो मैं चाहता हूं कि नहीं, इसको अलग आना चाहिए, डेट की तरह चाहिए, क्योंकि ये डेट फॉर्मेट से डेट दिखता है लेकिन एक्चुअल में स्टोर जो होता है वो हमारा इस तरह का नंबर ही होता है। तो उस केस में हमारे पास टेक्स्ट का फॉर्मूला है, मैं टेक्स्ट फॉर्मूला लगाऊंगा और इसमें DDD स्लैश MMMM स्लैश YYY, और इसी फॉर्मूला को मैं यहां भी ड्रैग कर लेता हूं, उसके बाद उसको आपस में कॉन्केट। तो डेट टाइम वगैरह कॉन्केट कर रहे हैं तो इसका ध्यान आप रखेंगे, ठीक है सर, समझ में आ गया। दीपक जी, तो सर अब क्या है कि फॉर्मूला को थोड़ा सा स्लोली पढ़ते हैं। आप ये जो फॉर्मूला आपने बताया है सबके एक एक एग्जांपल करके मुझे भेजिए, फिर कल हम इसमें एडवांस टेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। कल का जो टॉपिक होगा हमारा एडवांस टेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर होगा। सर, हाँ यस सर, हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए, ठीक इम्पोर्टेंट है, मेरा रिकॉर्डिंग नहीं है, आप मुझे ईमेल कर दीजिए वाला। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, थोड़ा मिल जाएगा। हेलो सर, है।